अरे भाई साहब उठो, मतलब उठो, मुझे बैठना है। आपको कैसे बैठना है? पहले तो मैं आकर बैठा हूँ ना। हाँ तो भाई साहब मुझे बैठने दो, मैं खड़ी हूँ, मैं लड़की हूँ। लड़की हो तो क्या हो, वैसे तो सब कहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है। अब आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं लड़की हूँ तो मुझे सीट दो। हाँ तो क्या हो गया भाई साहब, क्यों सीट आप? मैडम आप अपने अधिकार को गलत फायदा उठा रहे हो। इसमें अधिकार कहाँ से आ गए? अधिकार क्या, जो आपके लिए सीट रिजर्व है आप उस पर जाकर बैठो ना। उठ जाओ ना भैया, क्यों बहस कर रहे हो? क्यों उठे, क्यों उठे? अरे उठ जाओ भैया, उठ जाओ ना भाई। आपको लड़की नहीं दिख रही, दिखनी खड़ी हुई है भाई। लड़कियां तो क्या हुआ यार, तू बहस क्यों कर रही है? क्यों उठे, क्यों उठे? जब लड़के सफर में खड़े रह करके जा सकते हैं तो क्या लड़कियां नहीं खड़ी रह सकती? लड़कियों ने अपने आप को खुद कमजोर समझा हुआ है। तो लड़की खड़ी है ना, फिर क्या हो गया? मैं क्या करूँ, लड़की खड़ी है तो उठ जाओ ना भाई साहब, बहस ना करो, रहने दो आप। अंजू पानी लाना। हाँ पानी तो मैं आपको दे दूंगी, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे पैसे चाहिए आप। क्यों? मैंने पार्टी में जाना अपने फ्रेंड के साथ। अभी कल परसों पार्टी में गई थी ना। तो फिर क्या हो गया, पार्टी में बुलाया तो जाऊंगी नहीं? पार्टी से पेट नहीं भरता तुम्हारा? आप बोल कैसे रहे हो, मुझे इसने बुलाया तो मैं जाऊंगी। हर रोज पार्टी होती तुम्हारी? तो फिर क्या हो गया, मेरी अपनी खुद की लाइफ में मैं जाऊँ ना तो मैं तुम्हारे पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। लोग करेंगे, आप ही मेरे पति हो ना। घर खर्च कहाँ पिछला? वो मैं एक और पार्टी में गई थी उसमें लग गया। तो फिर राशन कहाँ से आएगा? वो आप देखो, घर के आदमी आप हो, मैं नहीं हूँ। और मेरे चुप कर रहा हूँ, मैं पहले थका रहा हूँ वहाँ से। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे पैसे चाहिए आपसे। जस्ट कीप क्वाइट, तुम थप्पड़ खा लोगे मुझसे। तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? यही करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ फिर, क्या करोगी? अभी पुलिस को फोन निकालो तो मैं अंदर करवाती हूँ। पुलिस कहाँ से बीच में आई? आएगी ना अब तो। हेलो पुलिस, हाँ जी मैं अंबाला कैंट से बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजू है और मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं। उन्होंने मुझे दहेज के लिए भी बहुत तंग कर रखा है। हाँ जी, और ये मेरे को मारते भी हैं। हाँ जी, तो मुझे इनके खिलाफ केस करना है। और एक बारी आप घर पे आके भी देख जाइए कि कैसे ट्रीट करते हैं मेरे साथ। हाँ जी, ओके सर, आ जाइए आप। ठीक, अब आएगा मज़ा। अब तुम देखो तुम्हारा होता क्या है, जो तुम मुझे अभी धमका रहे थे ना थप्पड़ मारने पे आ रहे थे मुझे, और मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। अब चलिए मैडम, आपका सर सामने आ चुका है। हाँ चलिए। तुमने पति से पूछिए क्या किया है तुमने? तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। कैसे किया? इस सबूत से देखिए। अब तुम देखना तुम्हारा होता है, तुम मेरी जरूरतें नहीं पूरी करते ना, जो मैं तुम्हें मांगती हूँ तुम्हें ला के नहीं देते। अब तुम देखना। पर ये तो गलत है ना? तो फिर गलत क्या हुआ इसमें, यही तो फायदा होता है। सरकार हमें हमारे अच्छे के लिए अधिकार देती है और हम उनका गलत फायदा उठाते हैं, ऐसे ही तो उठाया जाता है। अब तुम देखो तुम्हारा होगा क्या। लेडी कांस्टेबल रुमला, आइए मैडम। सरकार ने तुम्हें तुम्हारे अधिकार तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिए हैं, ना कि उसका गलत फायदा उठाने के लिए। एक इंसान का हक तब तक हक है जब तक उसका हक दूसरा इंसान के हक को ना छीने। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही असल में जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। अंकित, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है। अंत में हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते, बल्कि लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को भी अपने अधिकारों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द पर्सन नॉट द जेंडर। लिंग के आधार पर कोई सही गलत नहीं होता, गलत होता है तो सिर्फ इंसान और उसकी सोच।